क्रिकेट खेलने वाले स्टंप से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुंबई के धारावी इलाके में एक 26 वर्षीय बिमलराज नाडर नामक युवक की क्रिकेट खेलने वाले स्टंप से पीट पीट कर हत्या कर दी, लेकिन धारावी पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 32 वर्षीय मल्लेश चिटकंटी को गिरफ्तार भी कर लिया है। धारावी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी और मृतक के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था और इसी का गुस्सा आरोपी के मन में भरा हुआ था। आरोपी ने बीती रात स्टंप से पीट पीट कर युवक को मार डाला और मौके से फरार हो गया। मृतक के बगल में रहने वाले युवक ने जब देखा कि नाडर खून से लथपथ है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाडर को साइन हॉस्पिटल लेकर गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जब अगल बगल वाले लोगों से पूछा तो पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक और आरोपी के बीच झगड़ा हुआ था और इसी के बाद से आरोपी नजर नहीं आया। पुलिस ने आरोपी के घर वाले से मल्लेश के बारे में पूछा तो घर वालों ने बताया कि वह घर पर नहीं है, मुंबई से बाहर गया है। पुलिस ने तुरंत इलाके में लगे सीसीटीवी चेक की तो पता चला कि मल्लेश कहीं भी नजर नहीं आया। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो आरोपी मल्लेश घर के अंदर ही छिपा हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ किया तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक के घर वालों का धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। घर वालों का कहना है कि इस मामले में दो आरोपी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस ने हत्या मामले में कल ही दो लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ लोगों का स्टेटमेंट भी दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक तमिल सेल्वन ने जनता की नाराजगी को लेकर धारावी पुलिस अधिकारी से बात किया है। पुलिस इस मामले की जांच अभी भी कर रही है। कोई पकड़ता है, कोई साथ में उनको मिलकर मारता है, तो प्लान मर्डर है ना, 3-4 आदमी मिलकर तो एक किया है। उनका जो अभी एफआईआर में नाम आने के बाद और पीएम का रिपोर्ट देखने के बाद हम लोग जो है आगे जो बाड़ी निकालने का विषय बात करेंगे। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।